लेवल टू क्वेश्चंस की बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ आर ओ एच विद आर डैश एम जी एक्स प्रोड्यूसेस। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट किससे रिएक्ट करता है? एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। तो अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन है तो उसको लेगा और क्या बनाएगा? अल्केन बनाएगा, राइट। बस महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कौन सा आर यूज होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रिनार्ड रिएजेंट में जो आर है वहां से आपको मिलता है आर माइनस, तो फिर अल्कोहल का वो एच प्लस लेगा, राइट। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन? इथीन दिया है, इथाइन दिया है, इथेन दिया है, मिथेन दिया है। तो अल्केन्स अल्केन्स अल्काइन्स में जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं कौन होते हैं? अल्काइन्स होते हैं, फिर नेक्स्ट अल्केन्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव अल्केन्स होते हैं। पाई बॉन्ड की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ता है। थर्ड क्वेश्चन, एक्यूअस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेट्स एसिटिलीन एंड सीओ टू एट एनोड। एज तो बेसिकली ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें पहले से ही सी डबल बॉन्ड सी होता है ना, और सी ओ एन ए होगा, तभी जाके वो सी ओ टू बाहर जाएगा। और ऑलरेडी पहले से दो कार्बन के डबल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड निर्माण हो जाता है। द एडिशन ऑफ एच बी आर टू टू पेंटेन गिव्स। तो टू पेंटेन में आपको एच बी आर जोड़ना, आप जोड़ लेंगे, राइट, मार्कोनिकोफ रूल का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनेगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन आर सी एस टू सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस आई सी एल गिव्स ए। यहाँ पे आपको बताना, यहाँ मुद्दे की बात क्या है? जैसा आप बी आर टू ऐड करते हो, सी एल टू ऐड करते हो, तो यहाँ पे सोचना ये है बिकॉज आपको आई सी एल दिया है, दोनों हेलोजन है, कौन सा हेलोजन कहाँ जुड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, आप आई और सिल का बॉन्ड ब्रेक करोगे, किसके ऊपर प्लस किसे माइनस आएगा वो देखना है। किससे माइनस आएगा? जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है उसके ऊपर माइनस आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे प्लस आएगा, वाला आई प्लस सीएल माइनस बन जाएगा। उसके बाद फिर मार्कोनी का एडिशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। विच द फॉलोइंग कंपाउंड सीन एसीटोन ऑन ओजोनलिसिस फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। एसीटोन और ओजोनोलिसिस, सो इन सबको आप करके देखिए, जो भी आपको दिया है ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन को ले लेगा और उसका ओजोनोलिसिस करके देख लेगा, राइट, कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद एच ओ सी एल प्रोसीड्स बाय द एडिशन ऑफ। तो एच ओ सी एल अल्किन्स में एडिशन रिएक्शन होता है, वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो एच ओ सी एल को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? ओ एच माइनस और सी एल प्लस मिलेगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप पे, राइट। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टू अल्केन्स। तो हम जानते हैं परऑक्साइड इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एच बी आर पी जो होता है, बाकी तो इनमें नहीं होता। तो यहाँ पर उसे रीजन दिया है, बस ये फैक्ट है, इसको हम पढ़ लेंगे फैक्ट को। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो एक प्रोपाइन है और एक प्रोपीन है, अल्काइन और अल्कीन, उसको इनमें से किसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ये मुद्दे की बात, मतलब उसका मीनिंग क्या है? कोई एक जन इसमें से रिएक्ट करना चाहिए और एक जन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपको देखना है इनमें से कौन कौन से रिएजेंट के डालने पे
दोनों में भी रिएक्शन होगा। अगर दोनों में रिएक्शन हो रहा है डिस्टिंग्विश नहीं पॉसिबल है, अगर दोनों भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसा कोई चाहिए जो एक करे और एक ना करे। तो आप जानते हैं टॉलरेंस रिएजेंट AgNO3 जो है वो सिर्फ टर्मिनल अल्काइन से करता है, तो प्रॉपर टर्मिनल अल्काइन है तो उससे करेगा। विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है, आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन, पहला कार्बन देखो कि उसके जो दो ग्रुप अटैच है दोनों अलग अलग है क्या, बिगड़े बिगड़े है क्या। दूसरा कार्बन देखो जो दो ग्रुप अटैच उसको है दोनों बिगड़े बिगड़े है क्या। दोनों कार्बन भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म। सेम फंडा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स विल रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। मतलब कौन जल्दी H2 से रिएक्ट करेगा, मतलब किसका जो है जल्दी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वाला फंडा यूज करेंगे आप, देखेंगे मोर स्टेबल अल्किन इसमें से कौन सा। जो मोर स्टेबल अल्किन होगा वो जल्दी अल्किन बनेगा क्या? नहीं, जो लीस्ट स्टेबल होगा वो अल्केन में कन्वर्ट जल्दी होगा, राइट? पाइपर कॉन्डिशंस आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स का, तो मोस्ट लीस्ट स्टेबल जो होगा वो रिएक्शन पास करेगा। आइडेंटिफाई रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1-ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन। सेम होता है, राइट? 1-ब्यूटाइन 2-ब्यूटाइन मतलब एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है। तो हम जानते हैं कि अमोनिकल सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ टर्मिनल से ही करता है, नॉन टर्मिनल से नहीं करता, बाकी सब रिएक्शन तो होंगे। 14 क्वेश्चन देखते हैं। ऑन मिक्सिंग सर्टेन अल्केन विद क्लोरीन एंड इरेडिएटिंग विद अल्ट्रावायलेट लाइट, तो क्लोरीन बोला है और यूवी लाइट मतलब Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो अल्केन। दालकेन वुड बी सिर्फ एक ही बना रहा है मोनोक्लोरिन प्रोडक्ट, तो आपको देखना है हर एक। उदाहरण के लिए प्रोपेन हम लेंगे, प्रोपेन लेंगे तो ये टू पॉसिबिलिटीज है ना, 1 प्रोपेन एंड 2 प्रोपेन, तो आपको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, सेकेंड पॉसिबिलिटी नहीं है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन अल्काइन दिया उसमें Hg2+H+ दिया, मतलब बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, आपको बताता हूँ मैं क्लास में। Hg2+ अल्काइन में दिया मतलब ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो वहां पर H2O दिखता नहीं है पर वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अल्काइन है। तो आप पाई बॉन्ड तोड़ो OHO, पाई बॉन्ड तोड़ो OHO, और उसके बाद अगर एक कार्बन पे 2 OH उसका मतलब क्या C डबल बॉन्ड वो बन जाएगा। Which of the following is reduced with amalgamated zinc? एक और बात भी ध्यान देना है 15 क्वेश्चन में, बिकॉज आपको ऑप्शंस में इनॉल भी दिया है। तो जब आप जानते हैं कीटो इनॉल टॉटोमरिज़म, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म। सी डबल बॉन्ड ओ बन गए, आप सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म में रहना है उसको, या फिर वो कीटोन इनॉल बन सकता है। विच एवर इज अ मोर स्टेबल फॉर्म विल बी द आंसर, राइट? आपको ये भी देखना है कि मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगा कि कीटोन वाला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस विद एमालगेटेड जिंक, मतलब जिंक एमालगम, NaCl, राइट, नेम रिएक्शन टू गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स टू अल्केन्स, तो एल्डिहाइड कीटोन से काम करते हैं, एक ही ऑप्शन में दिया है, कीटोन हो गया आंसर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर अमॉन्ग इथेन, इथेन, इथाइन, प्रोपाइन, अब एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो मोस्ट एसिडिक जो होते हैं वो कौन होते हैं, अल्काइंस होते हैं, फिर अल्केन्स होते हैं, फिर अल्केन्स होते हैं। अब अमॉन्ग द अल्काइंस दो अल्काइन दिया, इथाइन और प्रोपाइन, अब दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वही एसिडिक होते हैं, बिकॉज एच प्लस देना पड़ेगा ना, जो एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। अब प्रोपाइन के पास एक क्या एक्टिव हाइड्रोजन, इथाइन के पास दो दो है, तो ऑब्वियस सी बात इथाइन विल बी मोर एसिडिक देन प्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जो हम पढ़ते हैं, ऑफ टू फिनाइल प्रोपेन, यस, तो टू फिनाइल प्रोपेन का आपको करना है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मार्कोनी को विथ रीअरेंजमेंट, तो आंसर आ जाएगा आप। Which of the following is used for the conversion of 2-hexyne into trans 2-hexene? देखो जैसा उसने ट्रांस बोला आपको समझ गए, हेक्साइन से हेक्सीन बोला, दो रिएक्शन है, एक रिंडार कैटलिस्ट है और एक बर्च रिडक्शन है, और जैसे ट्रांस बोला तो आप जानते हैं सिस मतलब रिंडार कैटलिस्ट, ट्रांस मतलब बर्च रिडक्शन, हो गया खत्म। था 2-मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रोमिन सनलाइट दिए गिव्स मेनली, यू नो ब्रोमिन सेलेक्टिव नेचर, तो आपको देखना है अगर वो टर्शरी हाइड्रोजन है तो टर्शरी हाइड्रोजन पे ही अटैक करेगा, नहीं है तो सेकेंडरी, नहीं है तो प्राइमरी, तो मेजर प्रोडक्ट में डिसाइड बेस्ड ऑन दैट। रिएक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HBr विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस, गिव्स प्रिडोमिनेंटली, यू हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ HBr एंड 1,3-ब्यूटाडाइन है, सो ये बेसिकली डाइन दो पाई बॉन्ड वाला है, एंड 1,3-ब्यूटाडाइन है मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है, तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, थोड़ा एक एक स्टेप हाई लेवल क्वेश्चन से सर्दा दिए ऐसे, जिसमें आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो फर्स्ट कार्बन पे प्लस आएगा, लास्ट कार्बन पे माइनस आएगा, और बीच में दो कार्बन है हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, राइट, उस हिसाब से आप सोचिए क्या होगा, राइट, क्लास ऑल्सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद टर्ट ब्यूटेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब फिनाइल रिएजेंट, इट इज रिएक्टिंग विद टर्ट ब्यूटेनॉल, टर्शरी है ब्यूटेनॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, सिंपल है, फिनाइल रिएजेंट विद अल्कोहल मतलब क्या, एक्टिव हाइड्रोजन क्रिया करेगा, सिंपल, यू विल टेक द फिनाइल ग्रुप एंड टेक ए हाइड्रोजन फ्रॉम देयर, यू गेट बेंजीन, व्हिच द फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन रिएक्शन विद साइक्लोहेक्सेनॉल गिव्स बेस्ट यील्ड ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेनॉल से आपको साइक्लोहेक्सीन चाहिए, क्या वो डिहाइड्रेशन हो गया, तो आप देखो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, राइट, H3PO4 इज वन ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लाइक H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वैसा H3PO4 इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो उसको कर सकता है डिहाइड्रेशन।
ये मॉलिक्यूल दिया है Cl2 प्लस सनलाइट, तो यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। उसके बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है, पूछा है कितने, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। तो आप देखिए मोनो हैलोजन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, है ना। सी एंड फिर ये भी देखना इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको डीपीपी के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ब्रेन टीजर में ऐसा एक क्वेश्चन मैंने दिया है, जहाँ पे क्या होता है जब प्रोडक्ट्स आपको बनेंगे तो वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उससे आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, आइसोमर प्रोडक्ट्स दिखाए, तो यू सी द ब्रेन टीजर डीपी नंबर 4, आपको इसका आइडिया मिलेगा। मैंने सॉल्व करके दिया क्वेश्चन। अल्कीन में NOCl, टिल्डन सी एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, मार्कन का एडिशन कर दो। यूपीएससी नेम पूछा है तो फिक्स है, इजी है। नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ देखो, यहाँ का अल्काइन है, एक तरफ से लिंडार कैटलिस्ट है, एक तरफ से NaNH2, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, दोनों भी अल्किन्स नहीं, फर्क क्या है, एक सिस और एक ट्रांस का फर्क है बस। द सिंथेसिस ऑफ थ्री ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग ए ब्रोमो अल्केन इनटू अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एमाइड एंड एन अल्काइन। द ब्रोमो अल्केन एंड अल्काइन आर रेस्पेक्टिवली, थ्री ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग ब्रोमो अल्केन इनटू ए मिक्सचर ऑफ सोडियम एमाइड एंड एन अल्काइन। सो आपको ऑप्शंस दिए, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो, वो पूछ रहे हो ब्रोमो अल्केन अल्काइन कौन से होंगे, तभी आपको थ्री ऑक्टाइन चाहिए, वो हिसाब से आप देखो विच वन कैन यू टेक और कौन सा लेंगे, तो आप कर सकते हो, ऑप्शन ऑप्शन जाएंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।